हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम और आपका स्वागत करता हूं फिर किसी मेरी एक और माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो के अंदर। तो आज जैसे कि देख सकते हो, मैं एक मकड़ी को मारने के बेच दिया तो ज़्यादा रात तो चिकर में घर से और वो तो मेरे घर जो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मेरे घर के अंदर एक ज़ोंबी घुसा है मेरे बगैर परमिशन के। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं बहुत मारने वाला हूँ। अच्छा अच्छा जो मेरा ब्लॉक भी चुरा ले ऊपर से, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, जल्दी से मार देता हूँ। कब तक मरेगा भाई तू, मर जाए यार जल्दी, मेरा हाथों में लगा तेरे को मार मार के, जल्दी मर जाए। और यहाँ पे भी मर चुका हूँ मैं, जल्दी से घर के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, जो हमारा स्टीवन है उसके पास भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि हमारा जो स्टीवन है वो कम से कम एक दिन से सोया नहीं है। पहले मैंने उसको बहुत सारा खाना खिला चुका है, फिर भी नींद लेना ज़रूरी है। नींद नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा क्या, स्टीवन की जो चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। और मैं यहाँ पे जो इसमें सामान रख देता हूँ, यहाँ पे मेरे को मार चाहता हूँ, रहने देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी मैं बाहर जाऊँगा तो मास्टर मेरे को मारेंगे। तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा घर बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने घर के जो लास्ट टाइम है यहाँ पे छत डाल रहा था, जब तक मैं इसके ऊपर छत डाल दूँ, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे कि मैं जो आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे कि फर्स्ट एपिसोड का नाम है जो है सर्वाइवर सीरीज की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पर मैंने वहाँ जो वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं था, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ एक रूम बनाया था रात को प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने सोचा अभी मैं उसके ऊपर छत डाल देता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे छत डालने का काम थोड़ा शुरू करा। तो मैं छत डाल के बोर हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा इस गेम को हटा देता हूँ। जब मैंने मैं तो कि माइनक्राफ्ट से क्विट किया, तो फिर मैं डबल से लॉगिन हुआ, तो मैंने देखा कि मैं कोई मेरे घर के अंदर घुसा है और उसने मेरे को मार दिया। तो फिर मैं जो है घर से थोड़ा दूर है जो मैंने जिंदा हुआ, तो फिर मैं वापस आया था। तो मैं वापस आ रहा था तो जैसे कि आपने देखा कि रास्ते में एक मकड़ी मिली थी, तो मैंने उसे मार दिया। आते मैंने क्या देखा कि मेरे घर के अंदर सोमी को सोया, तो मैंने उसे भी मार दिया। तो मेरे को क्या है जो मैं अपने सोचा था, मैं अपना घर बनाऊंगा ब्लॉक। तो अभी मेरे पास जो है ब्लॉक की कमी हो गई और मेरे घर के जो है बारिश भी होने लगी, तो अब मेरे को जल्दी से इसके जो है छत का काम पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिन तो हो चुका है, बस जो है मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है। और मेरे पास मैं जो है सारा सामान यहाँ पे रख देता हूँ, मेरे को ब्लॉक इकट्ठा करने आ रहा। पर ब्लॉक इकट्ठा करने के लिए मेरे को पहले हाथ से तोड़ू, पर मैं सोच रहा हूँ कि हाथ से तोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ब्लॉक पहले तोड़ लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे को एक पेड़ की ज़रूरत है, मैं वो क्या ज़ोंबी आ गया। मैं सोचा था एक पेड़ के पास जाऊंगा, वहाँ पे जो है मैं कलेक्ट करूँगा, पर यहाँ पे ज़ोंबी मेरे को कहीं से चलने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कब मौसम साफ होगा, ये ज़ोंबी कितना पास आ रहे हैं। अच्छा तेरे को डांस करवा दूँ, अच्छा 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 साले मर जाए यार। यहाँ पे मैं वहाँ पे एक मकड़ी रहने में घूम रही है, मेरे हिसाब से मेरे को घर के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी पारे ना खतरे से खाली नहीं है। और जो है मेरे स्टीवन की जो है रफ्तार वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि में 3D का जो वो यहाँ पे एक और ज़ोंबी जो घर से बाहर घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, आज की रात बहुत ज़्यादा डरावने बीतने वाली है। तो आज को मैं सोचा हूँ यहाँ पे माइनिंग का करना स्टार्ट कर दे। तो मैं सोचा यहाँ पे कटा खोद खोद के ब्लॉक ले लेता हूँ घर के अंदर से। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास पिक्सल होते तो मैं जल्दी से जो है मैं गड्ढा खोद लेता, तो मेरे को चाहिए एक पिक्सल। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे को खाना खाने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ संडे को खा सकता हूँ क्या, मैं नहीं खा पाया। इस संडे को मैंने खाने की कोशिश की पर मैं खा नहीं पाया, ब्लॉक टूट गया और अंडा भी चला गया हाथों से। तो मेरे को इस वजह और अंडा भी चला गया। तो अब देखता हूँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीट खा के काम चला रहता हूँ। ज़्यादा मीट खा लिया, पॉइजनिंग हो गई मेरे को। अब पता नहीं यहाँ पे जो मेरा मीट है वो भी मैंने रख दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे को घर से बाहर थोड़ा जाना है सामान कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पॉइजन है जो 10 सेकंड तक चलने वाला है। फिर मेरे को सामान कलेक्ट करने के लिए बाहर जाना है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक बार पेड़ को पकड़ ला पेटे में ले लूँ और उसको तोड़ के जाए। मेरे को पिक्सल बनाने या एक्स बना लो, जो है अपनी शॉर्ट बना लो। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, एक गधा दिख रहा है मेरे को, एक गधा ही है ना भाई, तू गधा है। अरे गधे एक गधे मेरे को ले ले यार, वहाँ तक सवारी दे दे यार, काम वगैरह है तू। चलो इसको मार के इसका जो है मीट। अरे यार ये फिर कैसे शुरू होगा ये चोम्बी, मैं जा रहा अभी बाहर जा रहा हूँ, ये सोमी मेरे को ऊपर हमला करे आ रहे हैं मेरे ऊपर बार बार। ये मेरा जो है तीसरा सोमी होगा जिसको मैं मारूंगा अभी। और इससे पहले मैंने एक मकड़ी भी मारी थी, सोमियों को हटा दिया जाए। तो यहाँ पे मेरे को जोम्बी जो मेरे को ढंग से कलेक्ट चलने नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेरे को पेड़ चाहिए, वो पेड़ ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा पेड़ तोड़ने के लिए। ये जो गधा है वो भी ऊपर जा रहा है, चलो मैं ऊपर जाऊँगा तो उसे भी मार दूंगा। और उसको मारने से मेरे को मिलेगा मीट, तो मैं उसका मीट खा के जो है अपनी पार थोड़ी बढ़ा लूँगा। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, पर ओ नो नो नो, एक क्रीपर है, क्रीपर जल्दी मेरे को दूर जाना है। वो बच गया बच गया बच गया, बाल बाल बच गया। और यहाँ पे वैसे क्रीपर ने ब्लास्ट होकर मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक दे दिए, तो वो क्रीपर अच्छा है। वो मेरे को आगे कर एक पेड़ मिल गया, तो मैं इस पेड़ को कौन है यार भाई, कौन है, कौन भाग रहा है यार, कोई देख क्यों नहीं रहा। अबे तू है, अच्छा 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 देखो मारूँ मैं डांस कर ले। मैं पहले मीट खा लेता हूँ, थोड़ी पावर बढ़ जाएगी यहाँ पे मेरे को थोड़ी। ओ नो यार, यहाँ पे मेरे को जो है ज़ोंबी ने मार चुका है, तो अब मैं यहाँ पे जिंदा हो चुका हूँ। ओ फिर किसे, ये वही जगह क्या जहाँ पे मैं मारा था, शायद मैं वहीं से जिंदा हुआ। यहाँ पे इसका पैर ही पैर में मारता हूँ, क्या है कि इसने कवच पहना हुआ है शायद, नहीं ये वो नहीं, इसने कवच नहीं पहना। यहाँ पे मेरे को इस ज़ोंबी को मैंने मार दिया, मेरे को ऊपर जाना है। और
परेशान है। ऊपर जाके मेरे को यहाँ पे मेरे को अपना सामान नहीं मिला। मैं सोचा था ये सामान है, वो इतनी सारी आँखें क्यों इसमें मकड़ी गई, मकड़ी भी मेरे को मार रही है। आज के दिन हो क्या रहा है यार, जो आज के दिन मैं थोड़ा घर से बाहर गया चला गया, सारे मॉन्स्टर पे मॉन्स्टर आते हैं यार, और आज मौसम ख़राब है और मॉन्स्टर पे वो भाई ये ज़ोंबी, ये मेरा चौथा या पाँचवा ज़ोंबी होगा जिसको मैं अभी मारूंगा। और ये ज़ोंबी तो प्रोटेक्शन के साथ आया भाई, कवच पहन कर आया है। मैं सोच रहा हूँ उसके पैरों पैरों पर मारूँ, क्योंकि इसने जो कवच पहना है तो उसकी वजह से बावजूद कम जा रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा पैरों पर मारने की कोशिश करता हूँ। वो ठुक के उसने मेरा आया ये जो दिल ले लिया, तो मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ, उससे पहले ये मेरे को मारे हो जाता। आ जा आ जा आ जा, और यहाँ पर मैंने मार जा मर जा, यहाँ पर मैंने उसे मार दिया। देखता हूँ उससे मारने से मुझे क्या मिला। वो उसका एक हेलमेट भाई, कवच तो मिला ही नहीं मेरे को। मेरे को लगा उसको मारने से मेरे को कवच मिलेगा, पर उसने जैसे भी हेलमेट। और मैं सोचा था यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ कि मेरा घर है किधर, मेरे को अपना घर नहीं दिख रहा है, कहाँ पर है मेरा घर है मेरे। ओहो यहाँ पे एक क्रीपर भी है, एक वो एक जोम भी है, और एक पेग है, दो क्री दो क्रीपर है, एक बुलसा है, और वहाँ पे घास है, बहुत सारे लोग हैं भाई यहाँ पे। तो जहाँ से ज़रा सा नीचे गए तो ये लोग मेरा कॉल क्या शिकार करने का, पेग कहाँ जा रहे तू। चलो पीके भी चला गया यहाँ पे, मेरे को सोच रहा हूँ मैं यहाँ से जो ब्लॉक लेके चला गया, पर मेरे को पिक्सल की याद आ रही है, क्योंकि पिक्सल के बगैर मैं सबको जल्दी जल्दी खोद नहीं पाऊंगा। और पिक्सल मेरे को चाहिए तो उसके लिए पहले मेरे को बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से ब्लॉक ले लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ इन लोगों को मारते हुए, देखता हूँ करना क्या पड़ेगा मेरे को। ये देखता हूँ स्टोन मिलेगा क्या मेरे को हाथ से थोड़ने से। ओह स्टोन तो मिल ही नहीं रहा सर, इसको तो मेरे को पिक्सल ही बनानी पड़ेगी तब जाके मेरे को स्टोन मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ज़ोंबी है, क्रीपर है, और एक और है जो धनुष चलाता है भाई, वो तीर तीर से मारता है। यहाँ पे क्रीपर मेरे को देख के भग गया, क्रीपर के फट गया लगता है। और यहाँ पे एक ज़ोंबी है, ज़ोंबी ने मुझे देख लिया क्या, वो ज़ोंबी आ रहा है मेरे से हेलमेट से इसको मारने की सोचा हूँ। भाई तीर पकड़ के क्यों आ रहा है भाई, इसको तीर कहाँ से मिल गया। पहले एक ज़ोंबी मेरा ब्लॉक पकड़ के घूम रहा था, अभी तीर पकड़ के घूम रहा है, जरूर इसने उससे लिया को जो क्या हर वक्त मेरे को तीर मारता रहता है। तो यहाँ पे ज़ोंबी के भी मैं खड़े खड़े, ये हेलमेट से कब से मरेगा भाई यार, मैं हेलमेट से मार रहा हूँ फिर भी लगा नहीं कि मैंने इसको मारा जाता। तो इसको मारने से मेरे को मिला है एक मीट, अभी मेरे पास एक थोड़ा सा मीट। ओहो इतनी सारी मकड़ियाँ, तीन तीन मकड़ियाँ दिख रही थी मेरे को, और एक क्रीपर भी है। ओहो एक क्रीपर मेरे को देखना ले, वो एक मकड़ी ने देख लिया। जल्दी आ जा, क्यों कितनी जल्दी जल्दी पड़ी यार, दूर रहे यार तुम उससे दूर रहे। और इस मकड़ी को मारने से मिले मेरे को स्पाइडर आर्म मिले। ओह मेरे को घर ही नहीं पता मेरा घर किधर, और एक और ज़ोंबी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। जल्दी समय से मार देता हूँ, जल्दी मर जाए जल्दी मर जाए। आज का जो है बहुत ज़्यादा डरावने बीत रहे, और मैंने अपना घर भी जो है खो चुका है, और ज़ोंबी भी मेरे को परेशान कर रहे हैं। कि बाद एक सब लोग मेरे को आगे आज परेशान कर रहे हैं, तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो रहा है मेरे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, यहाँ पर मैं घर अंदर जो है गड्ढा खोद के अंदर घुस जाता हूँ, जब तक कि मौसम साफ़ नहीं हो जाता। जैसे मौसम साफ़ होगा तो ये मॉन्स्टर क्या है जो सूरज की किरण आएंगे तो उनसे चल के मर जाएंगे, तो फिर मैं आराम से अपना घर ढूंढ सकूँगा। तो जब तक के लिए मैं खुद को यहाँ पे अच्छे से पैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े बहुत ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे पहले मैं खुद को अच्छे से पैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने खुद को एक अच्छे से पैक कर लिया है, मेरे को सब इंतजार है मौसम के साफ़ होने तक का। और ये अगर मौसम के साफ होने तक, जब मौसम साफ होगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अगर आपको इसका थर्ड एपिसोड देखना है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।